नागपुर की एक चर्चित सीट है मध्य नागपुर, और यहाँ पर एक नया घटनाक्रम सामने आया है। अनीस अहमद, जो कि कांग्रेस पार्टी के बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ नेता है, इन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी से नामांकन किया है। एक बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ सेंट्रल नागपुर से निकल कर आ रही है, मध्य नागपुर से एक चौंकाने वाली खबर। पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को जितने भी लोग जानते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली खबर। मध्य नागपुर से अनीस अहमद, जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी से अपना फॉर्म भरा है। इसका मतलब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और ऐन चुनाव के वक्त उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। जो भी आगे अपडेट निकल कर आएगा एनडीटीवी आपको